सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल एडुकेशन मेकर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लगभग जितने कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन जो होगा आपका वो बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन का होगा, और कुछ कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और कुछ कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपका इंटरव्यू बेस्ड होगा। आपका एडमिशन मेरिट बेस्ड होगा या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा या फिर किसी अदर क्राइटेरिया से आपका एडमिशन होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये उस पर्टिकुलर कोर्स का फैकल्टी और डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आपका एडमिशन होगा इन कोर्सेज में, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज में। बात करें तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन बना हुआ है, उसके बाद आपका पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन बना हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। पहले यहाँ पे जो आपको लिंक दिया गया लिस्ट ऑफ कोर्सेज का दिया गया, और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो सिंपली आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ से पहले रजिस्टर कर लेंगे, खुद को रजिस्टर करने के बाद आपका यूजर आईडी और जो पासवर्ड मिलेगा वहाँ से सिंपली लॉग इन करके आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किन किन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे देखने के लिए सबसे पहले आपको सिंपली जो इसका ऑफिशियल बुलेटिन है या फिर ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है उसे डाउनलोड कर लेना होगा। तो सिंपली आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस वीडियो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है ताकि आप खुद से भी इसे चेकआउट आसानी से कर सकें। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। BHU एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आया है। BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc मैथ्स, बायो, नर्सिंग, LLB, BA, LLB, BCom और CHS 9th के लिए, जिसका एडमिशन अभी ओपन है। फ्री वीडियो लेक्चर्स इनके चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो आप इनरोल हो सकते हैं। क्वेरी और डाउट के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, तो टोटल 28 पेज का पीडीएफ है। यहाँ पे आपको कंटेंट बताया गया है कि क्या है इस ऑफिशियल बुलेटिन और इस प्रोस्पेक्टस में। तो नीचे आप सिंपली स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपका दिया गया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट सेशन 21-22 के लिए। यहाँ पे सेक्शन 1 पहले दिया गया है कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स कोड नंबर, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ सीट्स और फीस। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, उसके बाद आपका नेम ऑफ कोर्स है, फिर कोर्स कोड है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या लोकेशन है, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं और फीस स्ट्रक्चर क्या लगने वाला है पर एनम, यानी कि एक साल का फीस स्ट्रक्चर क्या लगने वाला है, फिर टोटल पर्टिकुलर कोर्स का क्या लगने वाला है, सिंपली यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो जो कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करता है BHU, वो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि इन कोर्सेज में आप ले सकते हैं एडमिशन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। उसी के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ये कोर्सेज मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे आप इन सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आसानी से चेकआउट कर सकते हैं क्या। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फैकल्टी ऑफ लॉ मेंशन किया गया, यानी कि फैकल्टी ऑफ लॉ से भी आप यहाँ से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे 2 सेमेस्टर का बता रहा है, टोटल 1 साल का ये कोर्स है। यहाँ से आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं, सभी को डिटेल में देख लेंगे स्क्रॉल करके, या फिर बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट इसके PDF को डाउनलोड कर लेंगे। इसका PDF का लिंक आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर भी इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का यहाँ पे कोर्सेज मेंशन किया गया है नीचे, तो सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है BHU डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है BHU। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा हो गया आपका। उसके बाद आप नीचे ही स्क्रॉल करेंगे फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका फैकल्टी ऑफ साइंस आ गया है। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है BHU, सिंपली आप यहाँ पे सभी को देख सकते हैं क्या फीस स्ट्रक्चर लगने वाला है, टोटल कितने सीट्स अवेलेबल हैं, क्या यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर होगा, सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस है आपका, उसी तरीके से फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है BHU यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी के बाद नीचे स्क्रॉल करके इन सभी कोर्सेज के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या और धर्मा विजनन का यहाँ पे आप कोर्स देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करता है BHU। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स आप देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पे सभी कुछ बताया गया है साथ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST कैटेगरी के लिए और OBC के लिए और फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या रिलैक्सेशन है, सिंपली आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं क्या रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप देख सकते हैं SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, सिंपली यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि 15% रिजर्वेशन आपका SC के लिए है और 7.5% रिजर्वेशन आपका यहाँ पे ST के लिए है। उसी तरीके से यहाँ पे आप सभी कुछ को देख लेंगे इसके रिजर्वेशन क्राइटेरिया को। यहाँ पे फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट का रिजर्वेशन क्राइटेरिया बताया गया है, उसके बाद फिर यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि EWS का बताया गया है, और यहाँ पे
अपर एज लिमिट फिजिकल चैलेंज का यहाँ पे बताया गया, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी का रिजर्वेशन क्राइटेरिया बताया गया, तो आप इन सभी रिजर्वेशन क्राइटेरिया को आसानी से पढ़ लेंगे कि क्या यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन नेशंस वाले कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं उनके लिए अवेलेबल। उसके बाद बात आता है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप बीएचयू के वेबसाइट से फिल कर सकते हैं, जो कि वीडियो का आपको स्टार्टिंग बताया गया, वहाँ से आप उसे फिल कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद सिंपली यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद वहाँ पे आप साइन इन अपना कर लेके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप ईमेल आईडी देंगे वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो जो भी ईमेल आईडी आप फिल करेंगे उसे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि जो एडमिशन प्रोसेस जो भी कंप्लीट होगा आपका ईमेल आईडी पे ही सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी या फिर एंट्रेंस टेस्ट फी का है, तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए 300 और अदर जो भी होंगे जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 600 उन्हें पे करना होगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे एससी और एसटी वाले कैंडिडेट को कितना 150 यहाँ पे पे करना होगा और 300 पे करना होगा अदर को, जो कि एंट्रेंस फी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो सिंपली यहाँ पे आप देख लेंगे। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप पे करेंगे। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका 18 को रिलीज होने वाला था बट ये आज ही रिलीज हुआ है, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का ये आपको 20 सितंबर 2021, यानी कि 20 सितंबर 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसका इंपॉर्टेंट डेट्स हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आप किन इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, तो पहले आप इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करें। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो पूरा इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताया गया कि आपको किस तरीके का फोटो चाहिए होगा, क्या सिग्नेचर अपलोड करना होगा, क्या साइज होगा, सभी कुछ बताया गया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे, सभी कुछ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजन भी बताया गया कि आपका किन परिस्थिति में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है, तो इन सभी को आप देख लें और बिल्कुल भी गलती करने से यहाँ पे आप बच सकते हैं। बात करें उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बार बार पूछेंगे कि किन कोर्सेज में एडमिशन किस के थ्रू होगा, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे डिटेल में बताया गया, सिंपली यहाँ से आप इन सिलेक्शन प्रोसीजर को ध्यान से पढ़ लेंगे कि किस तरीके से एडमिशन होगा। यहाँ पे ऊपर में जो हाईलाइट जो मेंशन यहाँ पे किया गया, यहाँ पे ये क्लियरली बताया गया है कि आपको जो एडमिशन होगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज में, चाहे वो मेरिट बेस के थ्रू होगा या फिर एंट्रेंस बेस के थ्रू होगा या फिर रिटन टेस्ट के थ्रू होगा या फिर इंटरव्यू के थ्रू होगा या फिर किसी अदर क्राइटेरिया के थ्रू होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये उस पर्टिकुलर कोर्स का फैकल्टी डिपार्टमेंट या फिर सेंटर डिसाइड करेगा कि किस बेसिस पे वो एडमिशन लेगा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे सभी पॉइंट्स बताए गए हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का, आप यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा काउंसलिंग के लिए, जो कॉल लेटर आएगा आपको वो आपको बाय पोस्ट नहीं आएगा, जी हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो कॉल लेटर आएगा आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा बीएचयू में, तो वो आपको बाय पोस्ट नहीं आएगा, वो आपको कहाँ आएगा, तो वो आपके ईमेल आईडी पे ही आएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दें कि जो आप ईमेल आईडी देंगे वो बिल्कुल ही अच्छे से देंगे, सभी कुछ आपको याद होना चाहिए और हर समय आप उसे चेकआउट करेंगे। कॉल लेटर आपको कब तक आएगा, तो ये सेकंड और थर्ड वीक ऑफ अगस्त में आपको कॉल लेटर आएगा। कहाँ आएगा, तो आपके ईमेल आईडी पे आएगा, वहां से आप उसे प्रिंट आउट निकाल के चेकआउट कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही ईमेल आईडी आपको फिल करना है, सभी अल्फाबेट न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से वहां पे देख लेंगे। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं कि आपके पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई अभी भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन सभी को देखने के बाद इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से बताया गया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है 20/9/2021 और 18/8 से अवेलेबल है, यानी कि आज ही ये रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी क्राइटेरिया को, इसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सिंपली आपको एजुकेशन मेकर सर्च कर लेना है। अगर आप बीएचयू एडमिशन 2021 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, और बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं।